हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग पर भी एक नया रिक्वायरमेंट आया। ये रिक्वायरमेंट आके सिक्योरिटी गार्ड में वैकेंसी निकल के आया। खा पी के अब आराम से 50,000 इजीली सेव कर सकते हैं पर मंथ। पूरा डिटेल से बात करेगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते जॉब के लिए, ये जॉब अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, आपको क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करे, सब कुछ बताएगा आज इस ब्लॉग में। ब्लॉग एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये पर्टिकुलर जॉब कैसे अप्लाई करना है क्या है बोल के। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके आल कर प्रेस कीजिए, जो मेरे चैनल से नया वीडियो देगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अभी भी फ्यूचर में आगे चल के। दोस्तों आज का रिक्वायरमेंट निकल, बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी है सिक्योरिटी गार्ड में, ये टोटल यूएई में इसमें वैकेंसी निकल गया है एज ए सिक्योरिटी गार्ड। इसकी सैलरी है 2,300 दिरहम, मतलब इंडियन करेंसी 50,200 अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। और आपको अकोमोडेशन भी फ्री दे रही है, ट्रांसपोर्ट फ्री दे रही है, मेडिकल इंश्योरेंस आपको सब कुछ आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। आपको किचन फैसिलिटी देगी, आप खाए तो पका के खा सकते हैं तो बाहर खा सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। या आके 12 आवर्स ड्यूटी है, आप चाहे तो भी ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो 12 घंटे ड्यूटी कर लेके आप जाके रूम पे जाके रेस्ट कर सकते हैं। ये काम है टोटल सिक्योरिटी गार्ड का। सिक्योरिटी गार्ड में पब्लिक प्लेसेस में रहेगा और मॉल्स में रहेगा, गार्डन में रहेगा और आके पार्क में रहेगा, और जो भी रेसिडेंट्स अकोमोडेशन है उसके ऊपर आपको एज ए सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ेगा। ये प्लेस में आपको काम करना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी गार्ड के लिए। सिक्योरिटी गार्ड जॉब अप्लाई करने के लिए ECNR पासपोर्ट होल्डर से रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि 10th क्लास सर्टिफिकेट के अपने पासपोर्ट बना के है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ये लोगों ने मिनिमम 12th कहा है, मैक्सिमम 10th क्लास होल्डर्स भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम का हाइट रहना चाहिए 5.7 इंचेस, उससे ज़्यादा रहना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए एज ए सिक्योरिटी गार्ड के लिए। आपके पास ECNR रहना चाहिए, इंटर 10th रहना चाहिए, आपके पास बेसिक इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, जैसे पढ़ना लिखना बोलना, क्योंकि तो आप सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत लिखना रहेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा, थोड़ा बहुत सुनना रहेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इसलिए आपको बेसिक इंग्लिश आना बहुत ज़रूरत है। गुड कम्युनिकेशन स्किल भी रहना चाहिए इसके साथ ही साथ, तभी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। आपका वेट आके आपके हाइट के बराबर रहना चाहिए, जैसे कि 70 किलो, 65 किलो, 80 किलो रहना चाहिए, उसके अबो रहेगा तो चलेगा ना, टटाल इशू, लेकिन 50 किलो के बिलो रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं है इस जॉब के लिए। आपके पास कोई भी टैटू, विजिबल टैटू नहीं रहना चाहिए, जैसे कि नेक पे होगा, हैंड पे होगा और फोरआर्म पे होगा, जैसे कि आपके पास टैटू है तो आप एलिजिबिलिटी नहीं है इस जॉब अप्लाई करने के लिए एज ए सिक्योरिटी गार्ड के लिए। कोई भी विजिबल टैटू नहीं रहना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। जॉब अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स है अपडेटेड CV, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी, फ्रंट एंड बैक, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। जो भी आप सिक्योरिटी गार्ड सेक्टर में काम करके आपके पास एक्सपीरियंस है तो मस्ट एंड शुड आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपके पास नहीं है, फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि फ्रेशर्स कैंडिडेट ऑल्सो कैन भी अप्लीकेबल करके, आप फ्रेशर्स कैंडिडेट तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए एज ए सिक्योरिटी गार्ड एजेंट के लिए। जो मैं डॉक्यूमेंट बताया बराबर से स्कैन करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी डाल के उनको फॉरवर्ड कीजिए, और उनका कंसल्टेंसी का फोन नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके जाके चेकआउट कर सकते हैं, उनसे कॉल करके आप बातचीत कर ले सकते हैं अबाउट इस जॉब के लिए। जो भी आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो कॉल करके आप हल कर ले सकते हैं, नॉट एट ऑल इशू। नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर देके जाके चेकआउट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। जो कोई 10th होगा, इंटर होगा, आप खा पी के इंडियन करेंसी 50,000 ईजिली सेव कर सकते हैं पर मंथ। फ्रेशर्स कैंडिडेट मस्ट एंड शुड अप्लाई, आप फ्रेशर्स कैंडिडेट है तो आप ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। आपको खा पी के इंडियन करेंसी 50,000 कोई भी नहीं देता फ्रेशर्स कैंडिडेट को, ये लोग मेंशन करें एज ए सिक्योरिटी गार्ड, बहुत अच्छे वैकेंसी। जो कोई भी इंटरेस्टेड अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और एज कैटेगरी अगर 23 ईयर्स लेते हुए 35 ईयर्स तक इस दरमियान की एज रहना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए एज ए सिक्योरिटी गार्ड। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। जो कोई भी सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप सिक्योरिटी गार्ड जॉब में अप्लाई करने के बाद आपको स्टेप बाई स्टेप इंक्रीमेंट भी होगा, आपको बहुत सारे पोजीशन से सिक्योरिटी गार्ड एजेंट होगा, सुपरवाइजर होगा, आपका ट्रेनर होगा, ऐसे सब पोजीशन चेंज होता रहेंगे। आप जैसे आपको सर्विस मिलेगा, जैसे आपको एक्सपीरियंस रहेगा, जैसे आप पुराने रहेंगे तो आपको स्टेप बाई स्टेप आपको पोजीशन चेंज होता रहेगा, आपको सैलरी चेंज रहती रहेगी और आपका स्टेटस भी चेंज होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट, डोंट मिस इट। जो कोई अप्लाई करना चाहते हैं फटाक से अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने बताया पूरे स्कैन करके नीचे डिस्क्रिप्शन मेल आईडी डाल के उसको फॉरवर्ड कीजिए, और कंसल्टेंसी वालों ने वाकेनेबल इंटरव्यू आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू अटेंड होने के बाद आपको
मेडिकल करेंगे, मेडिकल के बाद वीज़ा आएगा, वीज़े के बाद सीधा पकड़ के चलो यूएई, यूएई में आप आके सिक्योरिटी गार्ड का काम करने, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। हाँ, कंपनी आपको बहुत कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि रूम होगा, अकोमोडेशन होगा, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल मैंने बताया था, सब कुछ आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रही है। ये पेड कंसल्टेंसी कितना है क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन मोबाइल नंबर देकर जाके कॉन्टैक्ट करके उनको बातचीत कर ले सकते हैं। आप सभी को मालूम हो कि इसी एजेंट को भी किसी कंसल्टेंसी का असल प्रमोट नहीं करता, मैं कोई एजेंट भी नहीं है, मेरी कोई कंसल्टेंसी नहीं, मैं सिर्फ यूट्यूबर है जो कोई जेन्यून वे से जाना चाहते हैं गल्फ को, उनको उन्हें मदद करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जफरू ब्लॉग्स बोल के। मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर फोकस उनके लिए करता हूँ जिसके पास टेंथ होगा, इंटर होगा, नहीं तो आईटीआई होल्डर से, उनके लिए फोकस करके मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। उनके वास्ते मैं सर्च करके खा पी के 50,000 रहना, ये लोग अच्छे खासे लाइफ लीड करना बोल के मैं सर्च करके आपके लिए जॉब बना के डालते रहता हूँ। बहुत सारे रिक्वायरमेंट आते रहते हैं टेक्निकल के और स्किल्ड के, लेकिन अपना फोकस है कि टेंथ, इंटर, आईटीआई उनके लिए मोटिवेट करना, उनको मैं गर्ल्स को जो कोई जाते उनको हेल्प करने के लिए मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ। स्पेशली उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं, और मैं बताते रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के टाइम, प्लेस, मेन्यू किधर है, क्या है, इंटरव्यू, सब कुछ मेरे बता के ब्लॉग में डालता रहता हूँ। जो कोई इंटरेस्ट है, जाना चाहते हैं गल्फ के रूप को, सोच लिए आपको समझ में नहीं आया तो मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं, कोई भी होगा तो मस्ट एंड शूट शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है, उनको मदद मिल जाएगी, गल्फ के यूरोप को जाने वालों को आज जेन्यून वे से, इंटरव्यू वे से, बेस्ट वे से जाना से लोग आप सर्विस चाहते हैं, उनको फ्यूचर अच्छा रहता, ब्राइट रहता, इसीलिए कभी जेन्यून तरीके से जाने की कोशिश कीजिए, कभी बैकडोर से जॉब हासिल करने की कोशिश मत कीजिए, टाइम और मनी दोनों ही बर्बाद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है जफरुल्ला बादशाह, इंस्टाग्राम पेज है जफरुल्ला बादशाह, आपको दोनों दिख रहे हैं। सिंपल से आप फेसबुक इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, सर्च बार में जाइए, मेरे यूजरनेम टाइप कीजिए जफरुल्ला बादशाह, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, जाके क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, तो मोर अपडेट भी देता रहता हूँ जॉब्स के रिलेटेड। और जो कोई भी पर्सनल से बातचीत करना था, आपको वीज़ा कापी आओगे, आपको ऑफर लेटर आओगे, तो मेरे को सेंड कीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप सर्च करके, रिसर्च करके उसके ऊपर पूरा इंक्वायरी करके आपको बताएगा जेन्यून है या फेक है बोल के, और चेक करके भी बताएगा जेन्यून है या फेक है बोल के। ठीक है दोस्तों, उधर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको मैसेज का बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। ये सिक्योरिटी गार्ड का जॉब का आया है, इधर आपको दिख रहा होगा पोस्टर पूरा मैंने डाल दिया है, क्या पोजिशन है और क्या क्या कैटेगरी चाहिए अप्लाई करने के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मैंने देखे है उधर पे, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स भी डाल देगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं उधर भी। और आज के ब्लॉग पे इतना है, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, जो भी आप क्वेश्चन से जो भी आपको डाउट से बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। ये ब्लॉग डेफिनेटली शेयर कीजिए दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, जान पहचान जो कोई भी गल्फ को, यूरोप को जाना चाहते हैं, तो स्पेशली दुबई के लिए जाना चाहते हैं, 50,000 कमाना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ। आप सिक्योरिटी गार्ड में जाके खा पी के 50,000 ईजिली सेव कर सकते हैं पर मत, जो कोई इंटरेस्टेड है अप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग पे इतना है, ख्याल रखें अपना भी, इस चैनल का भी।